है दोस्तों, तब देखो मैंने अपना गार्डन तैयार कर दिया, तो आप लोग देखना। अब मैं इनमें बीज लगाऊंगी, तो इसमें तो फिलहाल मैंने डाल दिया अभी। इसमें मैं लगाऊंगी धनिया, और इसमें लगाऊंगी मेथी, और इसमें लगाऊंगी पालक, और ये है मेरा मटर, मटर भी डालूंगी, और ये है लहसुन, और ये है मूली का बीज दोस्तों, ये मूली का बीज है और ये भी मूली है। तो देखते हो आप उगने के बाद देखना मैंने क्या क्या डाला है, कैसा जमा है। आप लोग भी फिर मेरे से सब्जी ले जाना बहुत सारी। आप पक्का वाली जो गोलियाँ होती है प्लीज़ इनको फेंके मत। ये जैसे तुम्हारा ये पेड़ है, ये बैंगन का पेड़ है, इसके जड़ पे डाल दो दो चार गोली, और जैसे मिर्ची का पेड़ है या कोई तुमने पौधा लगा रखा है तो उसके जड़ पे डाल दो, तो ये प्रोटीन का काम करता है, तो इसको प्रोटीन मिलती है। इसलिए मैं कभी फेंकती नहीं, जो स्पेड टूट जाती है तो उनको फेंकती नहीं हूँ मैं, ऐसे पेड़ों के जड़ पे लगा दी। मैंने नीचे भी लगा रखे हैं तो सबके जड़ पे यही लगाती हूँ मैं, तो आप लोग भी फेंकना नहीं, ज़रूर यूज करना। इसमें मैंने डाल दी मूली, ये दिख रहा होगा आपको बीज, और अब मैं इसको खुरपी से थोड़ा थोड़ा ऐसा कर दूँगी, और शाम को पानी डालूंगी दोस्तों मैंने, तो ये कर दिया मैंने। ये जमेगी मेरी मूली। ये मटर में इधर कोने कोने में लगाऊंगी ताकि बेल इस पर जाएगी, इसलिए मैंने मटर भी जरूर लगाऊंगी इस पर, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, दो 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 दाने। और इस वाले में भी मैं ये मूली ही लगाऊंगी, तो ये मैंने फाड़ ली मूली, देखते कौन सा अच्छा जमता है, वो वाला अच्छा जमता है कि ये अच्छा जमता है दोस्तों, इसलिए लोकल है और ये ब्रांडेड है, तो देखती हूँ कौन सा अच्छा जमता है। तो जो भी मूली अच्छी होगी तो आप लोग अच्छा ना मेरे साथ मंडी ले जाना, मंडी में जाके बेचेंगे, आप लोग जरूर आइए। ये देखो ये मूली ये डालूंगी, घनी होगी तो फिर थोड़ा थोड़ा करके मूली, हरी पत्ते सब्जी बनाएंगे पत्तों की। ये हो गया मेरा, ये आप करते हो। मटर लगाऊंगी, फिर ये वाला दोस्तों मैंने पहले लगाया था ये लहसुन, तो ये थोड़ा उग गया है, इस पर भी मेरा ये लहसुन है, आप देख लीजिएगा, ये कोई कोई छोटा छोटा आ रहा है अभी, क्योंकि पहले ख़राब हो गया था, तो ये छोटा छोटा आ रहा है, देखो ये छोटा है, और ये लहसुन चटनी लायक हो गया ये, तो ये तड़का में भी मारो इसको, चटनी दाल में मारो, उड़द की दाल में। पहले लगाया था मैंने इसको 10-15 दिन से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये भी इसमें भी एक दो मटर डाल दूँगी। बस भाई जी सब मज़ा, ये देखो अरबी थी ये निकल गई दोस्तों, तब मेरे को इसको ऐसे ही दबाना पड़ रहा है क्योंकि ख़राब नहीं करूँगी, अभी अभी इसका टाइम नहीं हुआ था निकालने का। देखो ये भी देखो मैं ये डालूँगी, ये पेड़ है, ये तो कूट के डालते हैं ना, ना ना ये अपने आप गल जाती है, इसके जड़ पे डाल दें खाद डाल जाता है, इसको प्रोटीन की जरूरत है। वो कुकू भी लगा रहा है पेड़ अपनी नानी के साथ। कुकी कौन सा लगा दिया? फूल फूल। कौन सा फूल लगाया? ये डाल दिया, और इसके जड़ पे ये गोलियाँ डाल दी मैंने, तो ये प्रोटीन मिल, ये मैंने यहाँ डाल दी गोली, ये डाल दी। ये कचरा है मम्मी? ये कचरा है, ये देखो ये बहुत सारा हो गया था, ये भी बहुत इतना जम जाता है, तो मैंने सब निकाल दिया, ये थोड़ा सा रखोगे आग जलाएंगे दोस्तों, ये निकाला लहसुन, ये लहसुन लगेगा, कुछ कुछ मैंने पहले कभी लगा रखा है, लेकिन मैं भी लहसुन स्टार्ट करूँगी, तो लहसुन को इस तरह से लगाइएगा, इस तरह से लगाना है, ये नीचे को जिसको नहीं आता तो ये नीचे लगता है हमेशा, ये दोस्तों ऐसे कर,
ये हेड की तरफ नीचे आता है हमेशा, तो ये ऐसे लगा लीजिए गागा आप। गागा गागा बस बैंगन बीज में डालना है, जामुन तो ठीक है ना, सीमा डालना मैं बैंगन बीज, मौसम तो नहीं है अभी, फिर भी मैं ये है बैंगन का बीज। वैसे अभी फसल तो नहीं है इसकी, पर फिर भी मैं डालूंगी। इसका बीज यहीं पे डालूंगी एक साल में। प्याज लगाऊं? हाँ, वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं। वैसे तो इसमें है ये अरबी, तो मैंने इसमें सुचने भी डाल रखे हैं बीज, तो मैं सॉरी वीडियो नहीं बना पाई। इसमें सुचने भी हैं और इसमें तो दोस्तों ये लहसुन है और ये मेरी हल्दी है, हल्दी ये है हल्दी, तो इसका मैंने ऊपर से काट दिया जड़ देखो हल्दी के, और ये लहसुन लगाया इसमें थोड़ा और लगाना पड़ेगा, और इसमें भी ये लहसुन है दोस्तों, ये चटनी खाने लायक हो गया ये। और इसमें सब में ये अरबी है, ये अरबी है, और ये बैंगन का पेड़ मैंने, ये बैंगन का पेड़ है इसमें भी ये अरबी डाला, तो अरबी के ऊपर जो भी है पूरा कबाड़ डाल दो अच्छी होती है अरबी, इसलिए मैं सब डाल देती हूँ। ये भी इसमें लहसुन भी है, ये अरबी है, ये भी अरबी है, ये भी अरबी है, ये भी अरबी है, सब में अरबी है। क्यों? इसमें भी ये लहसुन डालेंगे, इसलिए मैं हमेशा अपने छत में थोड़ा बहुत कुछ लगाती रहती हूँ, कभी हरी सब्जी कभी कुछ भी, तो जो कि अपना स्वच्छ खाना नहीं मिल जाता है, स्वच्छ सब्जी मिल जाती है बिना यूरिया का, तो ये इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लगाती रहती हूँ हमेशा। आप लोग भी ज़रूर लगाए छत में। मैंने कट्टों में लगाया था, देखो मैंने सब कट्टे हटा दिए, अब मैं इनको लिया और किया मेरा लहसुन, और इसी में मैं बाद में धनिया भी डालूंगी, जब थोड़ा लहसुन ऊपर हो जाएगा गुड़ाई करते से ना, तब धनिया डालूंगी, ताकि धनिया भी, धनिया तो रोज ही चाहिए मेरे हस्बैंड को, तो हमेशा चाहिए धनिया, दाल में सब्जी में हर कुछ में धनिया चाहिए। अब इसमें बाद में धनिया डालूंगी थोड़ा जब गुड़ाई करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो हमेशा धनिया चाहिए, चाहे कैसा भी हो तो उनको हर सब्जी में धनिया चाहिए, तो मैं पक्का धनिया भी डालूंगी इसमें बाद में। अभी तो फैला के लगा लिया मैंने, और इसमें भी मैं कोने में मटर डाल दूंगी थोड़ा दो चार। ये मटर भी गिर गए मेरे, ये देखो नीचे गिर गए, कुछ पौधे नीचे गिर गए, पौधे नीचे गिर गए, अब उठाना पड़ेगा, जैसे बच्चे नहीं उठाते पहले खाते समय, छोटे बच्चे नीचे गिराते फिर उसी को खाते, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ, नीचे गिर गया उठा के फिर लगाऊंगी इसको। तो ये है मेरे मटर जो मैं इनको लगाऊंगी अभी, क्या मस्ती मान रही रश्मि जी आपको, आपके बंदर तो मन लक्ष्मी जी, आपको कूदना है ये देखिए, ये बंदर तो मुझे मिल लो, खाली बंदर ये देखिए, इसमें ये मटर लग रहे मेरे, ये मटर डाल रहे दोस्तों मैं कोने कोने में डालूंगी, ताकि लहसुन डिस्टर्ब ना हो, तो इनको फिर मैं देखना क्या करती हूँ, झाड़ लगाऊंगी, इसमें भी डालूंगी, इसमें भी मैं थोड़ा सा कोने मटर डाल दूंगी। ये भी देखो इधर भी मैं मटर डाल दूँ, ताकि इधर भी मटर हो, और मैं इनको अच्छी तरह से बेल बनाऊंगी, बन पे झाड़ लगाऊंगी, तो मैं कोई कड़क ड्यूटी है, वो कड़क ड्यूटी है, पर इसी के लिए जीवित तो रहे हैं। हाँ, वो तो पता है मेरे को, मैं भी तो कर रही हूँ, ये मार खाएगा मैं इतनी खूब मौज जी, बिल्कुल ना साल हो गया, मैं
गया मेरे रणभूरे। मैं अपनी तलवार रखने जा रही हूँ, ये मेरी तलवार है रणभूरे की, ये रख दी मैंने ये। अब मैं पकड़ूंगी माचिस, जलाऊंगी इसको, ये भी दुश्मनों को, दुश्मनों को सबको, ये है मेरे दुश्मन। ये दुश्मन तो नहीं थे पर ये और दुश्मन है, ये तो इसको भी मैं जला रही हूँ। आप देखिए धुआं करूंगी, सुंदर धुआं 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 धुआं। अब ये वेस्ट है जिसको मैं जला रही हूँ, क्योंकि ये जलाना भी बहुत जरूरी है। इससे भी खाद बन के ये जल जाएगा, तो इसकी राख मैं फिर इनमें डालूंगी अपने पौधों में। और देखिए देखिए दोस्तों, जो मेरी दाल हुई थी ये दाल का कचड़ा है ये, तो इसको भी मैं इसके ऊपर डालूंगी, तो इसलिए डालूंगी इसका भी खाद बनेगा। तो मैं सब डालूंगी ऐसे करके, ये बोरी से ही डाल दिया मैंने ऐसे। अब देखो ये जलना शुरू कर दिया इसने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें पक्का।